तो दोस्तों आज है हमारे पास बोया BY-MM1 माइक्रोफोन। ये है दोस्तों एक कार्डियोइड माइक्रोफोन, इसको हम शॉटगन माइक भी बोलते हैं। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं बोया BY-MM1 माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ अपनी हर वीडियो के लिए, तो इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप चाहते हो मैं बोया BY-MM1 का कंपेरिजन इस माइक्रोफोन के साथ करूँ, तो जल्द ही आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। मैं आई बटन में वो मैंशन कर दूँगा। जैसा कि दोस्तों आप YouTube पे वीडियोस देखते हो, तो वीडियो क्वालिटी जितनी इंपॉर्टेंट होती है ऑडियंस के लिए, उतनी ही सेम इक्वली इंपॉर्टेंट होती है ऑडियो। एक अच्छी ऑडियो आपकी वीडियो में होनी चाहिए, इससे दोस्तों आपकी जो ऑडियंस के साथ कनेक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए आपको एक अच्छे माइक में इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और साथ में की जाएगी इसकी टेस्टिंग, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। डब्बा हो गया खाली, तो हमारे पास देखने को मिल रहे हैं कुछ स्टिकर्स और आपको मिलता है ये वारंटी कार्ड, साथ में आपको मिलता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिल रही है ये वायर, काफ़ी छोटी वायर है, ये बेसिकली है स्मार्टफोन के लिए। तो इसके बाद आपको देखने को मिलती है स्प्रिंग वाली केबल, तो ये आपके DSLR के साथ कनेक्ट होगी। तो ये भी काफ़ी छोटी वायर है, बेसिकली जैसे व्लॉगर्स यूज़ करते हो तो इतनी ही लेंथ चाहिए होती है। साथ में आपको देखने को मिलता है ये शॉक माउंट, तो इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आपको नीचे ट्राइपॉड माउंट भी देखने को मिलता है, और साथ में आपको देखने को मिलता है एक पाउच, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें आप अपना जो माइक्रोफोन है वो रख सकते हो। एंड में हमें देखने को मिलता है ये बालों वाला प्राणी। तो ये है हमारा माइक्रोफोन, ये बेसिकली डेड कैट लगा हुआ है इस पर, यहाँ से आप इसको रिमूव करोगे तो ये आपका माइक्रोफोन है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मेटल फिनिश के साथ आता है, बेसिकली मेटल का ही बना हुआ है। यहाँ पर आप अपनी जो ऑक्स केबल है वो लगाओगे माइक के पीछे ऐसे, और ये वाला जो एंड है ये आप मोबाइल पे या फिर अपने अगर दूसरी केबल यूज़ कर रहे हो तो अपने DSLR के साथ कनेक्ट करोगे। तो कुछ ऐसा सेटअप है, और इसको आप कनेक्ट कर सकते हो ये शॉक माउंट के साथ कुछ ऐसे, और साथ में आप यूज़ कीजिए डेड कैट। तो ये कुछ ऐसा सेटअप बन जाता है। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने स्मार्टफोन के साथ। मैं अभी शूट कर रहा हूँ सैमसंग S20 FE 5G से, तो आपको ऑडियो क्वालिटी जो मिलेगी एक स्मार्टफोन के हिसाब से कैसी देखने को मिलेगी, तो ये टेस्ट करते हैं। ये बाहर जो नॉइज़ सुनाई दे रहा है इसकी भी टेस्टिंग करेंगे इसके साथ। तो शुरुआत करते हैं अपने स्मार्टफोन के माइक के साथ। यहाँ पर मैंने स्मार्टफोन का जो इनबिल्ट माइक है वो यूज़ कर रहा हूँ। इको काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा और नॉइज़ लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो अभी मैं फ़ैन टर्न ऑन करता हूँ। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड नॉइज़ ऐड किया है फ़ैन, तो यहाँ पे स्मार्टफोन का माइक यूज़ हो रहा है और आपको काफ़ी सारी नॉइज़ सुनाई दे रही होगी और मेरी आवाज़ बहुत ही कम सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे अपना एक्सटर्नल माइक जो कि है बोया BY-MM1 माइक्रोफोन। तो दोस्तों अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हो ये आ रही है बोया BY-MM1 माइक्रोफोन के साथ। तो मैंने ये ऑडियो रॉ रखी है, अनएडिटेड है, तो आपको जो ऑडियो सुनाई दे रही है बिल्कुल भी मैंने एडिट नहीं किया इसमें, तो आपको कैसी ऑडियो मिल रही है ये आप जज कर सकते हैं। तो ये माइक्रोफोन मुझसे 3 फुट की दूरी पे है, तो आपको जो इन्वायरमेंटल नॉइज सुनाई दे रहा होगा काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, और जो इको होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने यहाँ रूम में कुछ भी ऐसा एकॉस्टिक ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ, मेरे रूम में खाली दीवारें हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इको सुनाई दे रहा होगा। चलिए करते हैं इसकी और टेस्टिंग। अभी मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा क्लियर आ रही होगी, अभी थोड़ी कम क्लियर होगी, अभी आपको ज़्यादा इको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरी आवाज़ आपको काफ़ी सारी इको के साथ सुनाई दे रही होगी और काफ़ी कम सुनाई दे रही होगी। तो अगर मैं लाउड बोलूँ तो ये माइक्रोफोन मेरी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड कर रहा है ये भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ ऐड की है, तो अभी फ़ैन फुल स्पीड में है और डेड कैट मैंने निकाला हुआ है, तो आपको कैसा ऑडियो सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है आप ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पास आके बोलता हूँ तो आपको कैसी आवाज़ आ रही है, यहाँ से आवाज़ कैसी कैप्चर हो रही है ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको आवाज़ मेरी कैसी सुनाई दे रही है। इको काफ़ी ज़्यादा होगा और नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा होगा, नॉइज़ लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा, इको भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ये ऑडियो टेस्टिंग है विंडस्क्रीन के साथ पास में, थोड़ा मैं दूर गया हूँ और आपको कैसे सुनाई दे रही है, तो यहाँ से आपको मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है। डेड कैट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है और जो नॉइज़ लेवल है कितना आ रहा है ये आप जज कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये था छोटा सा डेमो अगर आप माइक को टेबल पे यूज़ करते हो। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये मेरे स्मार्टफोन के माइक के थ्रू आ रही है, तो आपको काफ़ी इको यहाँ पे भी सुनाई दे रहा होगा। तो जैसा मैं वॉक भी कर रहा हूँ तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि एज अ व्लॉगर अगर आप स्मार्टफोन का माइक यूज़ करते हो तो आपको कैसी क्वालिटी देखने को मिलेगी। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ बोया BY-MM1 माइक्रोफोन, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ डेड कैट के साथ। तो आपको जो मेरी आवाज़ है वो कैसे सुनाई दे रही है और इको कितना सुनाई दे रहा है, बैकग्राउंड नॉइज़ कितना है, ये आप जज कर सकते हैं। तो इस ऑडियो सैंपल में मैं डेड कैट यूज़ नहीं कर रहा, तो आपको कैसी आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है, शार्पनेस आवाज़ में कितनी है, कितनी क्रिस्प है और शार्प है, इस वीडियो तो इस ऑडियो क्लिप में आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने डेड कैट जैसे नहीं पहनाया हुआ है तो मेरी जो आवाज़ है आप तक कैसे पहुंच रही है, नॉर्मल पेस पे बोल रहा हूँ, ज़्यादा लाउड नहीं बोल रहा, और जो माइक का डिस्टेंस है वो आर्म लेंथ के अकॉर्डिंग है, लगभग 2 फीट। तो आपको कैसी आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है आप जज कर सकते हैं। तो अभी मैंने फ़ैन टर्न ऑन कर दिया है, फुल स्पीड पे चल रहा है और मैंने डेड कैट अभी नहीं इंस्टॉल की हुई, तो आपको जो मेरी आवाज़ है अभी कैसे सुनाई दे रही है ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने विंडस्क्रीन इंस्टॉल कर दी है, डेड कैट इंस्टॉल कर दिया है, तो आपको मेरी आवाज़ अभी कैसे सुनाई दे रही है। फ़ैन फुल स्पीड पर चल रहा है तो बैकग्राउंड नॉइज़ भी है, तो आपको जो इको सुनाई दे रहा है, नॉइज़ सुनाई दे रहा है, वो कितना सुनाई दे रहा है वो आप जज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक टेस्टिंग कर लिया जाए आउटडोर में, तो अभी मैं घर की टेरेस पे हूँ। कल ही मैं अपना YouTube स्टैट्स चेक कर रहा था तो काफ़ी सारे लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और बिना सब्सक्राइब किए ही जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे दोस्तों मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी वीडियोस आगे और लेकर आता रहूँगा। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ इस माइक्रोफोन को एज अ स्टूडियो माइक। तो मैंने जो अपना सेटअप है कुछ इस तरह से किया है, ये जो माइक्रोफोन स्टैंड है मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था और साथ में मैंने ये 360 बॉल हेड ऑर्डर किया था जो कि काफ़ी यूज़फुल है। आपको जो माइक्रोफोन की पोजीशन है कहीं भी एडजस्ट करनी है, काफ़ी हेल्पफुल है ये। अगर मैं माइक्रोफोन को दूर कर दूँ तो आपको जो इको है, बैकग्राउंड नॉइज़ है, कुछ ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा, मेरी आवाज़ थोड़ी गूंजती हुई आपको सुनाई दे रही होगी। तो कोशिश कीजिए इस माइक्रोफोन में आप 6 इंच का डिस्टेंस रखिए, जितना हो सके आप उतना पास से अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए, आपको आवाज़ में एक बेस सुनाई देगा और काफ़ी अच्छा है आउटपुट, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका एज अ स्टूडियो माइक। तो अभी मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपके मोबाइल में 3.5 mm जैक है तो आप कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके मोबाइल में नहीं है, जैसे कि आजकल फोन्स में देखने को मिल रही है USB टाइप सी, तो आप परचेज़ कर सकते हैं ये USB टाइप टू 3.5 mm अडेप्टर। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया, मैंने OnePlus का जो अडेप्टर है वो ट्राई करके देखा, बट उसमें एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की और मैंने परचेज़ किया ये सैमसंग का ओरिजिनल अडेप्टर। इसमें है दोस्तों डेक चिप, जिसका मतलब है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर चिप। तो इसके थ्रू आप कोई भी एक्सटर्नल माइक हो या आपका जो हेडफोन्स है वो कनेक्ट कर सकते हो अपने सैमसंग फ़ोन के साथ। तो दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग ऑफ बोया BY-MM1 माइक्रोफोन की, काफ़ी लंबा नाम है। तो ये जो माइक्रोफोन है मैंने अमेज़न से 1000 रुपीज़ में परचेज़ किया था, जो अमेज़न सेल थी उसमें मैंने परचेज़ किया था। जो इसका रेगुलर प्राइस है वो लगभग 1600 रुपीज़ में रहता है। अगर आपको ये माइक परचेज़ करना है, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।